ओए 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 आज तो जब मैं दरवाजा खोलता हूँ सामने एक बेगम नवाजिश अली बुलाओ ना आइए मैडम देखे तो सही आए 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 हेलो 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 कैसी हो आए आए How are you? तो मैंने आपस में मिल रही हूँ। How are you? Look at you. कितनी स्लिम होगी ना? Hi Jani, I'm on a very special diet these days. अच्छा कौन सी वाली डाइट है? डिटॉक्स वाला? नहीं, फ्रूट डाइट। साड़ी बहुत जचती है आपको। Thank you so much. मैंने जिस भी प्रोग्राम में देखा आपकी साड़ी एक तो डिफरेंट होती है अच्छा जी? और आपको जचती बहुत। बहुत। एक दफा मैंने एक दफा साड़ी बांधी थी मैं जहां से गुजरा लोग कहते हैं पट्टी के तो कराई But looking great. Thank you, darling. Flattery will get you everywhere. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. कैसे हैं आप? Sophisticated तरीके से मिला हूँ. हाँ जी, very nice. तेरा बहुत डमोन नजायर तजावजात गिरारी गौर में. इतनी दूरी से नहीं मिलते, करीब आकर मिलिए. मैं भाई अब ठीक है क्या? गेट नहीं ना लोया वाली. आपके सारे कपड़े काले हो जाएंगे ना मिलेंगे. ठीक है आप बहुत अच्छी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ आकर तो बहुत खुश हूँ वेरी गुड एक बड़ी सेलिब्रिटी से मिलवाएं आपको जरूर जवाद अहमद साहब को तो आप जानती हूँ ऑफ कोर्स कहाँ है जवाद जवाद मेरी जान कैसे खामोशी से यहाँ बैठे हो बताते क्यों नहीं सबको जब छोटे से थे तब मेरे पास आया करते थे मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानती हूँ वैसे अच्छा किया है ये किसी इंजेक्शन की पब्लिसिटी कर रही है इंजेक्शन की तो नहीं मुझे क्या पता था कि आप सब लोग यहाँ जमा होंगे exactly. मैं तो अखबार में इश्तहार देख कर आई थी एक किराए के पोर्शन का exactly. ये हमारा पोर्शन ये वाला खाली है ना सीरियसली क्या अच्छा हो गया आप आ गए इस पोर्शन के अंदर व्हाटएवर यू थिंक ऑफ इट्स देयर एंड दैट्स एक्चुअली करकुली मॉडल टाउन टू डिफेंस सोसाइटी गुलबर्ग कैंट एरिया नॉट अलाउड इन दमा टीबी Yes, man. बड़ी गल है। अबे very nice. इतनी अच्छी आपने बात बोली ना? पढ़ा लिखा नहीं आप लग रहे हैं आप सड़े पूछे लग रहे हैं तो काड़ा साइड कैंट एरिया एंड पे बेगम घर चले लेट नहीं हो गए ओके तो किस तरह का रूम चाहिए आपको रूम एयर कंडीशन होना चाहिए इट इज एंड ऑफ कोर्स वहां पर क्वीन साइज बेड होना चाहिए मानुल्ला साहब उस्ताद जी एसी चला के सुते थे सारी पित निकल आई वो क्यों जी पुट्ठा एसी चला लिया एटमॉस्फेयर चेंज व्हाट टॉकिंग अबाउट कौन सी बात कर रहे एटमॉस्फेयर चेंज हाथ लगा के देख ले ठीक है वो नहीं मैं ये देख रहा हूँ अगर उन्होंने ये मकान ले लिया तो फिर सोएंगी कैसे मैं ये देख रहा हूँ मैं या आप आप मैं तो इधर रहता ही नहीं हूँ अच्छा आप कहाँ रहते हैं मैं जहाँ बर्फ गिरती है मुझे भी ले चलिए अपने साथ नहीं वहाँ नहीं जाना वहाँ बर्फ बिक चुकी है अब सैलाब आने वाला है अल्लाह खैर करे काली आंधी आने वाली तूफान आने वाला है मेरे घर में चलो बिटिया जवान है खाना पक गया है अब आप आई हैं तो जवाब को कोई ना कोई गाना तो मुझे कहना ओ सजना मैं कैसी लगती हूँ मुझसे ये पूछना गालों पे हाथ रखे मेरी बातों को सुनना तेरी है आँखों पर आना मुझको प्यार बिन तेरे क्या है जीना बिन तेरे क्या है जीना सर आज उसके 200 शोज हो गए 200 आपको उसकी बहुत बहुत मुबारक आपने बड़ा काम किया लेकिन जो काम आपने उस प्रोग्राम में किया ना जी जी मैंने खुद देखा
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमानुल्लाह साहब जिस भी प्रोग्राम में होते हैं उसमें बरकत इतनी होती है कि वो प्रोग्राम सदियों चलता रहता है। ऐसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं और आप जैसे हर सर्दियों में। सर आइए, वो पीछे देखिए जवाद साहब बैठे हैं। जवाद साहब, अरे जवाद साहब, उनसे मिलाएं सर आप। वाह जी वाह जवाद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जवाद साहब। मैं सिंगर भी बांध के रख दिए यार जवाद साहब। मैं हमेशा कहता हूँ कि अमानुल्लाह साहब अगर USA में होते बैठी याद करवाता यार बैठी बैठी वीजा नहीं सी लगना मिला। अगर अमानुल्लाह साहब USA में होते तो इनका मुजस्मा बनता हुआ। बेशक बेशक, ऐसे फनकार। अब चूंकि ये पाकिस्तान में है इसलिए इनका सिर्फ सुरमा बने। पाकिस्तान जैसा प्यारा वतन, बाई गॉड ऐसी रहमतें जितनी अल्लाह ताला ने इस पर फरमाई है किसी धरती पे नहीं है। पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क, नो डाउट। ये आपको जवाब साहब बताएंगे जो पूरी दुनिया घूमी हुई जिन्होंने, ये बताएंगे ताया जी बताएंगे, इन्हें अजी अद्धी फ्री है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहीं नहीं जाते, ये पढ़ाते रहते हैं। कैसे हैं आप? बस ठीक है भाभी जी, बस थोड़ी दो। खान साहब, वाह जी वाह जवाद साहब। खान साहब, हाँ। आप आए हैं हमारे घर में, हाँ। इतने बड़े आदमी, आपसे कोई शुगल तो लगाए ना जरा, कोई हंसी खेल या कोई गाना। शुगल ही लगाना है, सवा तीन प्रोग्राम है। हाँ जी, 200-200 शो हो चुके हैं। 200 एपिसोड्स, 200 कहना जरूरी है। कभी इस खत्ते में फारसी पर्शियन लैंग्वेज राई थी, आजकल जरा अंग्रेजी बोल रहा कहते बड़ा सही आदमी। कोई सुनाए अपनी मर्जी से, फिर इस खुशी में सवा तीन के 200 शो। ये तो खैर माशाल्लाह सिंगर हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, अच्छे घर के हैं, शौकिया गाना गाते गाते ऐसे ही हो गया मसला। पेंडू कैसे ने गाने नाल फटी हुई ताश होती है उन्होंने को, अच्छा नंबर कसे होंगे ने, ओदी जगह ई लिखे होंगे, ठीक है, किंग की जगह तारे वाली किंग लिखी थी नाल गा रहे होंगे, कई दी एक आखी नहीं थी पेंडू वाली। हीर आख्या जोगिया झूठ बोले आए ते कौन रुसड़े यार मैं मनाऊंगा यू ओए। क्या बात, वैसे तुम्हारी आवाज अच्छी है। हाँ अच्छी, शुक्र है। मंगिया करो, ऐ कोट करो, चिट्टा पा के आए सन। हाँ राज मुंह साफ किया तो काला होया। बेल हो रही है, बेल देखो, बेल कौन आया बाहर, बड़े लोग आए हैं, बेल की तरफ किसका ध्यान जाए, मैं देखता हूँ भाई। इस घर 24 घंटे बेल बजती है ये सड़क के ऊपर। हाँ बेल मुझे, हमारे ताया जी ने ना कुंडी नहीं लगवाई हुई थी यहाँ पे, हमारे वो जो जिसका दिल चाहता है वो चुप के आ जाता है। मैं देख के ओए होए होए होए, आई तो जब मैं दरवाजा खोलता हूँ सामने एक बेगम नवाजिश अली।